नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धराज सिंह और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कानपुर रिंग रोड के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, जिसमें कानपुर रिंग रोड का नए सिरे से सर्वे होगा और साथ ही इसी महीने DPR तैयार करने का निर्देश दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, कानपुर रिंग रोड के इस लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में विस्तार से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कानपुर में NHAI ने रिंग रोड के लिए नए सिरे से सर्वे शुरू कर दिया है। अब कई बस्तियां इसकी जद में आ सकती है। सूत्र बताते हैं कि पहली DPR बस्तियों, पेड़ों और गहरी ज़मीन आदि को बचाते हुए तैयार की गई थी, मगर जगह जगह घुमाव और गोलाई की वजह से भूतल परिवहन मंत्रालय ने 12 नवंबर को इसे खारिज कर दिया था। शुरुआती स्वीकृति के आधार पर ही दोबारा DPR बनाने के निर्देश दिए थे। अब कंसल्टेंट एजेंसी को इसी महीने सर्वे पूरा करने के साथ ही संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले DPR स्वीकृत कराने की कोशिश की जा रही है। भूतल परिवहन मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद ही रिंग रोड का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज मिश्र ने बताया कि मंत्रालय के निर्देशानुसार रिंग रोड के लिए संशोधित DPR तैयार कराई जा रही है। कानपुर रिंग रोड 93 किलोमीटर लंबा बनेगा। इसमें देहात और उन्नाव जिले की जमीन शामिल है। इसके लिए 4 महीने पहले भूतल परिवहन मंत्रालय की शुरुआती सहमति मिल चुकी है। NHAI ने साई कंसल्टेंट से रिंग रोड की DPR तैयार कराकर पिछले महीने भूतल परिवहन मंत्रालय को भेजी थी। रिंग रोड के पहले चरण में मंदना से संचेड़ी तक 22.50 किलोमीटर लंबा हाईवे बनेगा। नगर और देहात जिले के 78 गांव से होकर यह हाईवे गुजरेगा। इसके बनने से GT रोड में कन्नौज, कासगंज की तरफ से बुंदेलखंड, प्रयागराज, लखनऊ की तरफ से जाने वाले वाहनों को शहर से होकर आना जाना नहीं पड़ेगा। शहरवासियों को भी जाम से राहत मिलेगी, प्रदूषण और हादसे भी घटेंगे। मंदना से संचेड़ी के बीच जिन 78 गांव से होकर यह हाईवे गुजरेगा उनमें मकसूदाबाद, रेकेपुर, कंबीरपुर, चौबेपुर कला, गोविंदेपुर, पचोर, बननी, रुद्रापुर, दिलावरपुर, टोसवा, इटरा, राय गोपालपुर, ततारपुर, चक बहरमपुर, बेसठी, शेरपुर बेरा, इंदलपुर जुगराज, ताजपुर, हंसपुर आदि प्रमुख गांव शामिल है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही अन्य रिंग रोड प्रोजेक्ट, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट और अन्य परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।